जैसे कि हम सी सेट कर रहे थे जिसमें हमने टॉपिक लिया है नंबर सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 192 है, दोनों संख्याओं का जो योग है वो 28 है, इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या रहेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए बाकी के सभी क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, उसे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 192 और दोनों संख्याओं का योग 28 है, तो इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या रहेगी। ठीक है, देखिए माना दो संख्याएं मान लेते हम, माना दो संख्याएं हैं, एक x हो गई और एक आपका 28 माइनस एक्स हो गई, क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना 28 है, तो एक x हो जाएगी, एक 28 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो दिया है दोनों संख्याओं का योग 28 है, इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का गुणनफल 192 है, इनका गुणनफल 192 है, तो गुणनफल कैसे निकालेंगे, x इंटू 28 माइनस एक्स इजिकल टू कितना है 192 है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो x इस सॉरी ये आपका 28x हो जाएगा, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू 192 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फैक्टर जैसी इक्वेशन बन गई ना, देखिए x स्क्वायर ले लेंगे और ये माइनस की सब में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये आपका यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 28x हो जाएगा और इधर माइनस के 192 इस तरफ आएगा बराबर के, तो ये प्लस का 192 हो जाएगा, राइट। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 16x और माइनस के 12x। देखिए फैक्टर आपको करने आते होंगे, नहीं आते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन बताइएगा। 192, ठीक है, इजकल टू जीरो, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे, या x माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस के 12 ले लेंगे, तो x माइनस यहाँ भी 16 हो जाएगा, तो एक x इजकल टू 16 और एक x इजकल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, x इजकल टू 16 या 12, तो छोटी संख्या हमारी 12 रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे, एक x इजकल टू 16 हो जाएगा या एक्स इजकल टू 12 भी हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी संख्या 12 हो जाएगी। ठीक है, बस इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।